Good morning, students. Today I teach you question number 1 in AP. Right? Question number 1 say that in which of the following situation does the list of numbers involve making arithmetic progression and why? कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि इसमें क्या है एपी बन रहे हैं अथवा ना है नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आई टोल्ड यू दैट इफ एनी प्रोग्रेशन इन एपी देन कॉमन डिफरेंस विल बी सेम इन एवरी टर्म, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। अगर कॉमन डिफरेंस समान हो जाता है तब हम कहेंगे कि दिस सीक्वेंस इन एपी, अगर कॉमन डिफरेंस समान नहीं होता है तो हम कहेंगे कि एपी में नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसके बाद ही हम डिफिनिट कर पाएंगे कि यह एपी में है कि नहीं। क्वेश्चन है कि डिटेक्शन फेयर आफ्टर इच किलोमीटर वेन द फेयर ए रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर इच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स टैक्सी का किराया जो है प्रथम किलोमीटर का 15 रुपये है, 15 रुपीज़ है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर का एडिशनल किराया क्या लगेगा, 8 किलोमीटर लगेगा, मतलब सॉरी 8 रुपीज़ लगेगा। मतलब आपको अगर 1 किलोमीटर जाना है देन यू पेड ओनली 15 रुपीज़, अगर 2 किलोमीटर जाना है तब कितना पेड करेंगे, 15 + 8 करेंगे। फिर अगर 3 किलोमीटर जाना होगा तो 50 + 8 जो आएगा उसमें क्या करेंगे आप लोग, 1 ऐड करेंगे उतना करेंगे, इस तरह से क्या होगा यह बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर A1 फर्स्ट का देखें फर्स्ट किलोमीटर का 15 फिक्स है, मतलब अगर फर्स्ट 1 किलोमीटर नहीं जाते हैं आधा किलोमीटर भी जाएंगे तब भी आपको 15 रुपीज देना ही है। अगर 100 मीटर तक जाते हैं, 100 मीटर भी अगर यात्रा करते हैं तब भी आपको 15 रुपीज देना ही है। उसके बाद अगर आगे जाएंगे 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो 15 एडिशनल चार्ज है मिनिमम, उसमें 8 रुपीज जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में 15 लगा, सेकेंड किलोमीटर में कितना लगेगा, 15 एडिशनल + 8 हो जाएगा 20 हुआ, और 1 किलोमीटर का और जुटेगा तो क्या होगा, 8, क्योंकि फिक्स 15 मतलब 15 रुपीज जो है 1 किलोमीटर का, उसके बाद जितना आगे बढ़ेंगे केवल प्रत्येक किलोमीटर आपको 8 रुपीज पेड करना है, राइट। 31 + 8 = 30, राइट। इस तरह से क्या हो गया, इंक्रीज करता रहेगा। नाउ यू फाइंड कॉमन डिफरेंस, इफ द कॉमन डिफरेंस आर सेम देन वी से दैट दिस सीक्वेंस इज इन एपी। इफ कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम देन वी से दैट दिस सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। सो 15, 32, 31, 39 कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस
वी सब्जेक्ट सेकेंड टर्म मतलब ए टू माइनस ए वन वी सब्जेक्ट फ्रॉम सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म बी इक्वल टू ए टू माइनस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्जेक्ट कर दीजिए कितना आगे 23 माइनस 15 इक्वल टू ए या ए थ्री माइनस ए टू करने क्या हो रहा है 21 माइनस 23 इक्वल टू ए या और ए फोर में से ए थ्री सब्ट्रैक्ट कर दें 39 माइनस 31 इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इफ कॉमन डिफरेंस सेम देन वी से दैट दिस सेकेंड सी इज इन ए बी देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस बी इक्वल टू हम किसी वे से सेपरेट कर सकते हैं ठीक ना, 7 माइनस 3 भी कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 ए 4 माइनस ए 3 भी कर सकते हैं, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 राइट। तो बी का मान ए हो गया और फर्स्ट टर्म ए हो गया ठीक है। नाउ हिसाब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3 एंड डी इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3, वी सब्ट्रैक्ट 5/3 माइनस 1/3 एक एलसीएम 3 एंड 5 माइनस 1 देन 4/3 राइट। तो फर्स्ट टर्म 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस 4/3 रिमेनिंग पार्ट वी कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न राइट। ओके थैंक यू।